अब किलर हेलीकॉप्टर मेरे फ्रैंकलिन के पास जा और फ्रैंकलिन को मार के आ। अगर तू फ्रैंकलिन को नहीं मार पाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो जा और अपने काम में सक्सेसफुल होकर आ, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। अरे यार, अब तो मुझको फ्रैंकलिन को मारना होगा, वरना तो ये सर्बियन डांसिंग लेडी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये फ्रैंकलिन का ऑफिस है, यहाँ पर यहीं पर ही रुक जाता हूँ। फ्रैंकलिन जब शाम को आएगा तो मुझे देखेगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। ये एकदम अच्छा प्लान है। यार काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई है, मुझे काम करते करते बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, तो अभी यार अपना टाइम ख़त्म हो गया। यार ये ऑफिस वाले भी कितना ज़्यादा ओवर टाइम करवाते हैं अपने साथ, लेकिन क्या करें यार, रुपयों के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। अगर मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा तो फिर यार अपने पास खाने के भी लाले आ जाएंगे। वैसे तो यार ये गाड़ी मुझे इन लोगों ने फ्री में दी है, लेकिन ये यार काम भी बहुत ही ज़्यादा करवाते हैं और सैलरी भी कम देते हैं। बस गाड़ी एक फ्री दे दी, लेकिन इसमें पेट्रोल भी तो मुझे ही भरवाना पड़ता है यार, तो खर्चे बहुत है अपने पास। और यार ऊपर सिंचैन और सिंचैन की स्कूल की फीस भी बहुत ही ज़्यादा है यार, अभी काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ मैं, तो यार मुझे तो घर चलना चाहिए एकदम। बिल्कुल यार फटेहाल, मैं एकदम थक चुका हूँ यार। देखते हैं अभी क्या करते हैं, घर जाकर क्या ही करेंगे यार, खाना पानी पियेंगे और सो जाएंगे, और कुछ कर भी तो नहीं सकते अपन। नौकरी पेशा लोगों की यही रूटीन होता है यार, उनको कुछ करने का तो होता नहीं है, रुपये कमा के लाओ और घर चलाओ। लेकिन यार अभी सामने की तरफ मुझे कुछ हेलीकॉप्टर का नज़र आ रहा है। मेरा सपना था कि मैं एक हेलीकॉप्टर खरीदूँ, लेकिन यहाँ पर तो मुझे एक हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है। ये यार अपना पास ही खड़ा है और यहाँ पर इसका कोई मालिक भी नहीं दिख रहा है यार, यहाँ पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो यार अपनी गाड़ी को थोड़ा सा यार मैं साइड में लगाता हूँ और फिर यार इस हेलीकॉप्टर में बैठता हूँ और इसको यार अपने साथ ले जाता हूँ। ये एकदम बढ़िया रहेगा, अपने साथ अपना हेलीकॉप्टर आ जाएगा यार, अपने को मतलब एकदम फ्री में हेलीकॉप्टर मिल गया। गाड़ी का क्या है, गाड़ी तो अपन कल भी ले जाएंगे, वैसे भी ये अपनी तो है नहीं, ऑफिस वालों की है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये लो यार अभी बैठता हूँ हेलीकॉप्टर में, वैसे यार उड़ाता हूँ मैं, थोड़ा बहुत मुझे आता है, देखते हैं उड़ता है नहीं। भाई साहब ये तो फुल वर्किंग कंडीशन में है, इसको उड़ाते हैं और अपने घर पर ले जाते हैं। तो पहली बार यार मैं इस हेलीकॉप्टर से जो है अपने घर पर जाऊंगा और यार क्या ही नज़ारा रहेगा वो तो। अगर सिंचैन जगह होगा तो यार वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा हेलीकॉप्टर देख के, क्योंकि यार उसकी भी इच्छा थी कि वो भी एक दिन हेलीकॉप्टर में बैठे और आसमान की ऊंचाइयों को छू। लेकिन अभी तो क्या है, अभी काफ़ी ज़्यादा जो है रात हो चुकी है, तो शायद वो सो गया होगा। तो ये लो यार मैं अपने घर पर भी पहुँच गया हूँ, अभी यार इसे धीरे धीरे करके उतारता हूँ, क्योंकि यार मुझे कुछ ज़्यादा खास अनुभव नहीं है हेलीकॉप्टर चलाने का, बस फिल्मों में देखा था तो थोड़ा बहुत आ गया। यहाँ पर यार थोड़ा सा टकरा गया और यार एकदम परफेक्ट लैंडिंग तो नहीं हुई, लेकिन कैसे न तैसे अपन ने लैंड कर ही दिया। अभी यार नीचे चलते हैं, पर मुझे लगता है कि सिंचैन सो गया, एक दो बार यार उसे आवाज़ भी दे लूँ। अरे सिंचैन यार, जग रहे हो क्या? सिंचैन सिंचैन यार, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा, मतलब उसका क्या है कि वो परफेक्टली सो चुका है। अभी यार अपने को भी जाना चाहिए सोने के लिए, क्योंकि यार खाना वाना तो अपन ने खा लिया था हेलीकॉप्टर के अंदर ही, क्योंकि इसमें एक ऑटो पायलट नाम का फीचर और है जिससे जो है हेलीकॉप्टर जो है ऑटोमेटिक चलता है, तो ये एकदम अच्छा होता है। तो यार अभी चलते हैं सोने के लिए, तो फटाफट यार अपने बेडरूम में जाते हैं और क्या करते हैं, एकदम खान पीन खा खू के सो चलते हैं। तो सो गए यार अपन तो। अरे यार, ये रात में ही आधी रात को ये कहाँ से गोलियां चलने की आवाज़ आ रही है? फ्रैंकलिन भैया को तो मैंने पूरी कोशिश कर ली जगाने की, कुछ समझ में नहीं आया। अरे ये अपनी घर के आगे हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है? वैसे मेरी तो मनोकामना थी, इच्छा थी बचपन से कि मैं हेलीकॉप्टर में बैठूं। यार ये हेलीकॉप्टर को तो कितना ही प्यारा हेलीकॉप्टर है यार, लेकिन ये चल कैसे रहा है? इसमें तो लाल और हरी बत्ती भी जल रही है और ये चल भी रहा है, लेकिन इसमें कोई बैठा क्यों नहीं है? मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है यहाँ पर। अरे यार इसमें कोई कैसे क्यों नहीं है? अरे ये क्या, इसने तो मुझे अपने ऊपर बिठा लिया और यार ये तो हवा में जा रहा है,
कुछ तो गड़बड़ है यार, समझ में नहीं आ रहा क्या गड़बड़ है। अरे इसमें से गोलियां चल रही है, कोई बचाओ यार। फ्रैंकलिन भैया यार, कोई तो आओ यार, कोई बचाओ मुझे, मुझको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं यार, क्या करूं, कोई तो बचाओ यार, कोई बचाओ यार। अरे नहीं यार, इसने तो मुझको नीचे फेंक दिया है यार, कोई बचाओ। अरे यार, ये सिंचन की आवाज इतनी ज्यादा क्यों आ रही है, क्या हो गया इसको? यहाँ पर तो सिंचन घर के अंदर तो है नहीं, आवाज शायद घर के बाहर से आ रही थी। यार चेक करना पड़ेगा क्या सिलसिला है, क्या हुआ है सिंचन को जो इतनी तेज तेज चिल्ला रहा था। तो यार चेक तो करना होगा यार, पता नहीं क्या ही हो गया है यहाँ पर। यार अचानक से जो है हेलीकॉप्टर कैसे चल रहा है भाई साहब, मैं तो बंद करके गया था ना। अरे हाँ यार, ये ऑटोमेटिक है, शायद मेरे आने की कदम इसने महसूस कर लिए होंगे और ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। फिलहाल यार सिंचैन को देखते हैं, सिंचैन कहाँ है कहीं? शर्मा जी के घर से तो आवाज़ नहीं आ रही थी, तो यार शर्मा जी के घर पर जाकर देखते हैं क्या सिंचैन है। अरे सिंचैन तो यहीं पर ही है। सिंचैन को लेकिन ये हुआ क्या, ये तो यार यहाँ पर बेहोश हुआ पड़ा है। एक मिनट यार, सबसे पहले तो है अपन जो है हेलीकॉप्टर को बंद करते हैं। यार ये हेलीकॉप्टर भी कितनी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, लेकिन यार मुझको ये समझ में नहीं आया है कि यार इसकी हालत ऐसे कैसे हुई। यार अचानक से इसकी आवाज़ मेरे पास आई, तब मैं यार यहाँ पर आया। लेकिन यार ये हुआ तो हुआ क्या सिंचन को, तो सबसे पहले यार अभी इस हेलीकॉप्टर को बंद करते हैं यार, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, इसकी भी अलग प्रॉब्लम है यार। तो यार चलते हैं इसको बंद करते हैं। अरे नहीं यार, ये गाइस ये तो उड़ने लग गया यार, ये क्या हो रहा है, मुझको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या चल रहा है ये। अरे ये हवा में उड़ने लग गया, ओ इसमें तो यार गोलियां चलने लग गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार क्या करूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। ये एरोप्लेन जो है मतलब हेलीकॉप्टर जो है ऑटोमेटिकली फायर कर रहा है यार, इसमें से कितनी सारी गोली चल रही है। ओ नो गाइस, अब तो इसमें से रॉकेट चलने लग गए हैं यार, क्या हो रहा है मुझको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या करूँ अब। मैं इससे कूद भी नहीं सकता क्योंकि यार ये काफी ज्यादा ऊंचाई पर है, अगर मैं कूदूंगा तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। और ये यार पता नहीं अपने को कहाँ ले जा रहा है, साथ ही में यार बिल्डिंगों को उड़ाते हुए जा रहा है यार, अब क्या करूं मैं। एक बार ये नीचे आ जाए ना तो मैं इससे कूद जाऊंगा और फिर जो है मैं इसको फोड़ दूंगा ऊपर उड़कर, क्योंकि यार मुझे लगता है कि इस पर किसी शैतान का साया है, क्योंकि ऐसा कोई शैतान ही कर सकता है। किसी शैतान ने इस हेलीकॉप्टर पर काबू पा लिया है, या तो ये खुद ही किलर है या खुद ही शैतान है या किसी ने काबू पा लिया। यार ये नीचे आ रहा है अभी यार, उतरने का एकदम सही मौका है। लेकिन गाइस यार इसके जो डोर है वो लॉक हो गए हैं और यार खुल नहीं रहे हैं, क्या करूं मैं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। डोर क्यों नहीं खुलाया, ये भी तो दिक्कत है, अगर खुल जाता तो मैं नीचे गिर जाता और आराम से फिर इसको मैं फोड़ देता। और अचानक से डोर खुल गया और मैं नीचे गिर गया यार, नीचे डोर लॉक था, ऊपर जाके ऑटोमेटिकली खुल गया यार, क्या ही शैतानियत है इस एरोप्लेन में। लेकिन यार मैं बच गया, मुझे काफी चोट भी नहीं आई है, चोट काफी क्या कुछ नहीं आई है। और यह एरोप्लेन यहाँ पर गिर गया है हेलीकॉप्टर, अभी एकदम अच्छा मौका है इसको फोड़ने का, इसमें शैतान है देख लो, क्योंकि ये ऑटोमेटिक अभी भी चल रहा है, लेकिन ये जो है इन पेड़ों के बीच में आके फंस गया है। तो फटाफट यार इसको रॉकेट लॉन्चर से उड़ा देता हूँ, और यार ये मैंने इसको उड़ा भी दिया है, लेकिन यार अभी भी इसका काफी ज्यादा हलचल हो रही है। तो फटाफट यार इसमें बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर चलाता हूँ, और अब यार ये नेस्तनाबूत हो गया है, क्योंकि यार ये अच्छे तरीके से बंद पड़ गया है। लेकिन अभी भी इस हेलीकॉप्टर का कोई पता नहीं है यार, ये कितनों की जान ले सकता है और कितनों को मार सकता है। आप लोगों ने देखा इसमें ऑटोमेटिक यार जो है रॉकेट चल रहे थे, तो मैंने सोचा है कि इसको यार पहले रॉकेट लॉन्चर से उड़ाता हूँ और उसके बाद जो है इसको जो है मैं दफन भी करूँगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्या पता है बाद में ऑटोमेटिक ही उड़ने लग जाए जैसे पहले हो रहा था। और यार यहाँ पर मैंने इसको बत्तरों में चुनवा दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अरे यार ये कैसे चलाते हैं एम्बुलेंस वाले, फायर ब्रिगेड वाले, मुझको मार गए यार, बच गया मैं, वो तो मैं सही टाइम पे लेट गया। चलो अब इतना ही आज की वीडियो में।